सो गाइज ये है आईफोन ऐसी सेकंड जनरेशन जिसको मैंने कैसीफाई से गुड कंडीशन में 15,500 का खरीदा 128 GB वेरिएंट, और ये है आईफोन 12 128 GB वेरिएंट जिसको मैंने 2.5 साल पहले फ्लिपकार्ट से खरीदा था। और आज करेंगे इन दोनों का स्पीड टेस्ट और गेमिंग टेस्ट और देखते हैं कि दोनों की ही परफॉर्मेंस में कितना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर आईफोन SE 2 में जो है A13 बायोनिक चिप है और यहाँ पर ये 14 बायोनिक चिप है, और इसके अलावा कोई खास मेजर डिफरेंस नहीं है। हालांकि डिवाइस में तो वैसे छोटे मोटे बहुत डिफरेंसेज हैं, बट प्रोसेसर में कोई खास डिफरेंस नहीं है। वैसे तो अगर ओवरव्यू में देखा जाए तो कैमरे का डिफरेंस है, डिस्प्ले का डिफरेंस है, उसके बाद आप स्क्रीन साइज देख पा रहे हैं और भी बहुत कुछ, बहुत सारे डिफरेंसेज है, बट प्रोसेसर में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो चलिए आज करते हैं इन दोनों का स्पीड टेस्ट और देखते हैं कि आईफोन SE सेकंड जनरेशन क्या आईफोन 12 को टक्कर दे पाता है 2024 में या नहीं। सो गाइस दोनों डिवाइसेज में मैंने बैकग्राउंड के सारे एप्लीकेशन को किल कर दिया। आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में एक भी एप्लीकेशन नहीं है। और ये हैं कुछ गेम्स जिसको एक एक करके लॉन्च करेंगे और देखेंगे कि कौन पहले लॉन्च कर रहा है और लोड कर रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रेसिंग मोटर से 3, 2, 1, और यहाँ जो है माइक्रो सेकंड में आईफोन 12 जो है आगे था आईफोन SE से। दोनों गेम को बैकग्राउंड में कर देता हूँ। उसके बाद सबवे सर्फर, यहाँ देखते हैं कि कौन आगे रहता है। जाहिर सी बात है आईफोन 12 जो है काफ़ी आगे है। यहाँ देखिए 1 सेकंड 2 सेकंड, लगभग 1.5 से 2 सेकंड का डिफरेंस था दोनों में ही। उसके बाद स्टिक क्रिकेट, यहाँ देखते हैं, और यहाँ फिर से जो है आईफोन 12 जो है पहले जो है गेम को लॉन्च किया और लोड किया लगभग 1 सेकंड पहले। टेम्पल रन में देखते हैं कि कौन आगे होता है, और यहाँ भी लग रहा है कि आईफोन 12 जो है आगे है आईफोन SE 2 से। तो गेम को जो है फिर से बैकग्राउंड में कर देता हूँ मैं। उसके बाद है लूडो किंग में भी आईफोन 12 जो है आगे चल रहा है। माइक्रो सेकंड में जो है आईफोन 12 पहले था। उसके बाद 8 Ball Pool, यहाँ भी कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, माइक्रो सेकंड का ही डिफरेंस था। उसके बाद कैरम डिस्क पूल, यहाँ भी मुझे लग रहा है माइक्रो सेकंड का ही डिफरेंस होगा, और यहाँ आईफोन SE जो है पहले लोड कर लिया। तो गेम को फिर से कर देता हूँ बैकग्राउंड में। उसके बाद डॉक्टर ड्राइविंग, काफ़ी छोटे छोटे गेम्स हैं ये, और यहाँ देखिए ऑलमोस्ट सेम टाइम पर दोनों था, या फिर मुझे लग रहा है माइक्रो सेकंड में आईफोन SE आ गया था, मैं ध्यान से देख नहीं पाया, कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आपने देखा होगा तो। अब जो है ट्रैफिक राइडर को लॉन्च करते हैं 3, 2, 1, और यहाँ मुझे लग रहा है आईफोन 12 ही आगे होगा, और आईफोन 12 ही आगे जो है लॉन्च करके लोड कर रहा है। तो अब गेम को कर देते हैं बैकग्राउंड में। उसके बाद जो है BGMI, और BGMI में देखते हैं कि कौन आगे रहता है आईफोन 12 या फिर आईफोन SE। तो आईफोन 12 तो काफ़ी तेज़ी से जो है गेम को लोड कर रहा है, और आईफोन SE जो है गेम को लोड कर चुका है, और यहाँ भी जो है आईफोन SE जो है आईफोन 12 से आगे निकल गया। गेम को फिर से कर देता हूँ बैकग्राउंड में। उसके बाद एसफॉल्ट 9 को लॉन्च करते हैं, और एसफॉल्ट 9 भी जो है काफ़ी तेज़ी से जो है लोड हो रहा है, और देखते हैं कि कौन लोड पहले करता है आईफोन 12 या फिर आईफोन SE। मुझे आईफोन 12 ही लग रहा है लोड करेगा, बट आईफोन SE जो है सरप्राइज दे रहा है BGMI में जैसे, और यहाँ पर आईफोन 12 जो है पहले गेम को लोड किया, और अभी आईफोन SE जो है वो लोड कर ही रहा है। गेम को कर देता हूँ बैकग्राउंड में, और यहाँ लगभग 5-6 सेकंड का डिफरेंस था इस बार। उसके बाद हिल क्लाइंबिंग को लॉन्च करते हैं, ये बहुत ही छोटा गेम है, काफ़ी क्विकली लॉन्च हो गया। तो यहाँ भी 1.5 सेकंड का डिफरेंस दोनों में है। तो इन जनरल ज़्यादातर गेम्स में आईफोन 12 आगे था, जो कि एक्सपेक्टेड ही था, बट आईफोन SE बहुत ज़्यादा पीछे नहीं था। सो कम से कम परफॉर्मेंस में आईफोन SE आईफोन 12 से बहुत ज़्यादा पीछे जो है नहीं है। और अब आखिरी में करते हैं दोनों का बूट टेस्ट। तो दोनों डिवाइसेस को मैं स्विच ऑफ कर देता हूँ, तो इसको जो मैं स्विच ऑफ कर दें, उसके बाद करेंगे बूट टेस्ट और देखते हैं कि बूट टाइम में कितना ज़्यादा डिफरेंस आता है। सुरेश आईफोन 12 से तो आईफोन SE का बिल्कुल भी मुकाबला देखिए नहीं है। आईफोन 12 में बहुत सारे फीचर हैं, बट अगर आईफोन 12 मिनी 13 मिनी जो कि अभी तो मार्केट में नहीं आते हैं, बट अगर किसी का स्मॉल स्क्रीन साइज़ में
इंटरेस्ट हो, स्मॉल स्क्रीन साइज डिवाइस में इंटरेस्ट हो, तो मुझे लग रहा है कि आईफोन ऐसे आईफोन 12 मिनी और 13 मिनी से बेटर होगा, अगर कैमरे को बस मैं हटा दूँ तो। क्योंकि डे टू डे यूज में माइक्रो सेकंड का डिफरेंस है, उससे ज़्यादा कोई खास डिफरेंस है नहीं, तो मुझे लग रहा है कि 12 से तो कोई कंपेरिजन नहीं है सीखा, बट अगर 12 मिनी और 13 मिनी को देखा जाए तो ऐसे में आईफोन SE सेकेंड जनरेशन या फिर थर्ड जनरेशन ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी होगा। इनफैक्ट थर्ड जनरेशन भी उतना वैल्यू फॉर मनी नहीं होगा क्योंकि बहुत ही महंगा डिवाइस है, तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि सेकेंड जनरेशन, ये देखिए 128 GB है जिसको मैंने कैसीफाई से गुड कंडीशन ऑर्डर किया 15,500 में, बट अगर आप आईफोन SE 3 के साथ जाएंगे तो लगभग 30,000 के आसपास आ गया, फिर 27, 28, 12 मिनी 13 मिनी अभी मार्केट में बहुत कम अवेलेबल है बट काफ़ी कॉस्टली हैं, तो इसीलिए आईफोन SE 2 स्मॉल स्क्रीन साइज में बेस्ट वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है करंटली। सो गाइस चलिए दोनों डिवाइसेस जो है स्विच ऑन करते हैं और देखते हैं कि दोनों का बूट टाइमिंग में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो मैं दोनों का पावर बटन एक साथ प्रेस करता हूँ, 3, 2, 1। और गाइस आपको क्या लगता है कौन पहले बूट होगा कमेंट में जरूर बताइएगा, हालांकि मुझे लगता है कि आईफोन SE पहले बूट हो सकता है, देखते हैं कौन पहले बूट होता है। दोनों ही ऑलमोस्ट सेम टाइम पर जो है एप्पल लोगो शो किए थे, और 3, 2, 1, 0। और यहाँ देखिए आईफोन 12 जो है पहले बूट किया, तो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, लगभग माइक्रो सेकंड या फिर एक सेकंड कह सकते हैं, एक सेकंड का डिफरेंस है, इससे ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं था। सो गाइस ये तो था इन दोनों का स्पीड टेस्ट और गेम टेस्ट। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।